दोस्तों भारत और पाकिस्तान दोनों ही ऐसे देश हैं जहां पर क्रिकेट के खेल से लगभग सभी को लगाव है, और अगर यह कहें कि दोनों ही देश के आम जनता इस खेल के प्रति पागल हैं तो यह कहना भी कोई गलत नहीं होगा। और शायद यही वजह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट की ऐसी राइवलरी है जिसे दोनों देश के फैंस तो एंजॉय करते ही हैं, साथ ही साथ दुनिया की भी निगाहें इस खेल में मैदान पर टिकी होती हैं। और जब भी ये भारत और पाकिस्तान की टीम आमने सामने होती हैं तो एक दूसरे को हराने के लिए दोनों देश के ही खिलाड़ी जी जान लगा देते हैं। और दोस्तों एक बार फिर से भारत पाकिस्तान का मुकाबला 2019 के वर्ल्ड कप में 16 जून को होने जा रहा है, और ऐसे में विदेशी धरती पर मैच होने के बाद भी इस खेल के लिए सभी टिकटें कुछ मिनट में ही बिक चुकी हैं। और वैसे एक भारतीय होने की वजह से तो हम यही उम्मीद करते हैं कि भारत पाकिस्तान को पटखनी देकर यह मैच जीत जाए। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भारत पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े हुए कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जिसके बारे में शायद आपको पहले से पता भी ना हो। जैसे कि भारत और पाकिस्तान के अलग होने के बाद से पहली बार भारत पाकिस्तान की भिड़ंत 16 अक्टूबर 1952 को टेस्ट मैच और 1 अक्टूबर 1978 को वनडे में हुई थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पहले भारतीय नेशनल टीम में खेल रहे आमिर इलाही, गुल मोहम्मद और अब्दुल हफीज ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि पार्टीशन के बाद से पाकिस्तान चले गए और फिर आगे चलकर वह भारतीय टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए। और दोस्तों आप में से ज्यादातर लोग तो शायद यह जानते ही होंगे कि सचिन तेंदुलकर ने अपना क्रिकेट में डेब्यू पाकिस्तान के खिलाफ 1989 में किया था, लेकिन शायद आपको यह बात जानकर हैरानी हो कि 2 साल पहले ही वह इंटरनेशनल क्रिकेट का स्वाद चख चुके थे, और वह भी भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए। दरअसल यह बात है 1987 की, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत के टूर पर आई हुई थी, और यहाँ पर एक तरह से एक फ्रेंडली मैच में पाकिस्तान के दो खिलाड़ी अब्दुल कादिर और जावेद मैच के बीच में ही लंच के लिए चले गए, और फिर इसी दौरान सचिन को बतौर सब्स्टिट्यूट इमरान खान की पाकिस्तान टीम की तरफ से फील्डर भेजा गया, और फिर लॉन्ग ऑन पर फील्डिंग के लिए लगाए गए सचिन के पास कपिल देव का उड़ता हुआ एक शॉट भी आया था, लेकिन सचिन उस कैच से दूर रह गए थे। और दोस्तों इस घटनाक्रम का जिक्र सचिन ने अपने किताब में भी किया है। और दोस्तों इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति तो हमेशा से ही रहे हैं, और 1986 में जब एशिया कप का दूसरा एडिशन श्रीलंका में आयोजित किया गया था तब इस टूर्नामेंट में 3 टीमें इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका हिस्सा लेने वाली थी, लेकिन उस वक्त क्रिकेट के प्रति भारत और पाकिस्तान का माहौल सही न होने की वजह से भारत इस टूर्नामेंट में नहीं खेला, और तभी बांग्लादेश को भारत की जगह पर मौका दिया गया। और फिर 4 साल के बाद से ऐसा ही कुछ 1990 में भी हुआ जब एशिया कप भारत के अंदर आयोजित किया जा रहा था, और यहाँ पर भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीम एक बार फिर से हिस्सा लेने वाली थी, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच पॉलिटिकल रिलेशन सही नहीं होने की वजह से पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में नहीं खेला, और तब यहाँ भी बांग्लादेश को ही मौका दिया गया। और दोस्तों भारत और पाकिस्तान की राइवलरी कुछ ऐसी है जिसका कोई जवाब नहीं, और वर्ल्ड कप में तो इन दोनों ही टीम्स और इनके फैंस का पागलपन तो देखते ही बनता है। लेकिन बड़ी ही दिलचस्प बात यह है कि भारत और पाकिस्तान कुल 6 बार ICC वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में आमने सामने आ चुके हैं, और पाकिस्तान को हर बार मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि 1992, 1996, 1999, 2003, 2011 और 2015 हर वर्ल्ड कप में ही भारत ने पाकिस्तान को मात दिया है। और आखिर में हम यही उम्मीद करते हैं कि 16 जून 2019 को होने वाले मैच में भी भारत पाकिस्तान को मात देकर यह रिकॉर्ड बरकरार रखेगा। और उम्मीद करते हैं कि भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैचेस के यह फैक्ट्स आपको जरूर ही पसंद आए होंगे। और दोस्तों अब आप हमारी ऑफिशियल मर्चेंडाइज teesbucket.com से मोटिवेशनल और पेट्रियाटिक टी शर्ट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं, और खासकर लाइव हिंदी के सब्सक्राइबर्स के लिए LH100 कूपन अप्लाई करने पर 100 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।